हाई ऑल दिस इज़ एंच वेलकम टू माई चैनल सो ये सीरीज जो है दैट इज़ फॉर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अगर आप एक बी सी ए बी टेक या बी एस सी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो सो दिस इज़ फॉर यू दिस इज़ फॉर यू वेयर आई एम यो टेल यू कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनका परफेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए आई हैव सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग दीज लैंगज एंड आई एम माई सेल्फ बी सी ए टॉपर इन द यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी सो मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा फायदा आपको मिल सके दैट्स वाई आई हैव दीरीज तो अगर सी प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है इस सेमेस्टर या अगले सेमेस्टर भी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज गोई नो हेल्प यू अ लॉट फॉर योर थियोरी एग्जाम फसीम राइट सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से सो so, क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है एक्सप्लेन द रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ठीक है ये क्वेश्चन आपको पाँच से आठ नंबर तक का आ सकता है पेपर में जैसे कि अगर आप ये वाला पेपर देखें तो इसमें यह पाँच नंबर का पूछा गया है सो so, डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो और आपका पेपर पैटर्न कैसा है सो अकॉर्डिंगली इट कैन बी आज फॉर फाइव टू टेन मार्क्स ठीक है अब बात करते हैं कि इसका प्रॉपर आंसर कैसा होना चाहिए सो so, इसका प्रॉपर आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन पांच नंबर का है तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट वन एंड हाफ पेज सो वन एंड हाफ पेज आप अच्छे से फिल करके आएंगे ताकि आप उसके हर पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके अगर आपको पूरे पाँच नंबर चाहिए सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन हेडिंग्स टू राइट दी हेडिंग्स क्लियरली ठीक है मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया आप ग्रीन नहीं करोगे आप पेंसिल यूज कर सकते हो या अगर ब्लैक पेन अलाउड है रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज और नॉट है ना सो so, यहाँ पे देख रहे हो आप मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ट्रू और फॉल्स क्योंकि जो भी स्टेटमेंट हम इससे बनाते हैं उसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है एंड दोस्प्रेशन आर कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन देन आपको बोला गया है स्पेसिफिकली कि एग्जाम्पल्स दे के बताना है सो आई हैव मेड अ टेबल लाइक दिस मैंने ऑपरेटर्स के नाम लिखे हैं पर्पस लिखा है और एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो बट दिस इज लाइक मच क्लियर टू सी चेक करने वाले के लिए आसान हो जाता है ऐसे टैबल फॉर्म में पढ़ना और क्लियरली पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है है ना सेकेंड आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स उसकी डेफिनेशन लिखी हमने तीन ही होते हैं हमारे पास दैट इज नॉट एंड एंड और सो नॉट का बताया उसका एग्जाम्पल दिया देन एंड के बारे में बताया सो so यहाँ पे मैंने देखो अंडरलाइन किया है कि एंड गिव्स यू ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू जबकि और कब देता है टू इज ट्रू है ना देन आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स कि मान लो अगर ये कंडीशन है और मैथ्स की वैल्यू ये है सी की ये है तो रिजल्ट क्या होगा ऐसे ही यहाँ पर सो दिस इज माई ऑलमोस्ट मोर देन वन एंड हाफ पेज है ना तो ये आपका परफेक्ट आंसर है कि अगर आपको पांच नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से पूरे पांच मिल सकते हैं सो दिस इज़ हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर आंसर तो अब बात आती है कि ये आंसर आपको मिलेगा कैसे तो इसको आप अपने हाथ से लिख के कोशिश करना प्रैक्टिस करने की इसीलिए मैं आपको इसकी पी नहीं दे रही हूँ ठीक है आप इसको खुद लिखेंगे क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है ये वीडियो देखने का सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल सो राइट इट ऑफ योर ओन वंस इन अ रजिस्टर आप एक रजिस्टर बना लो उसमें ये आंसर्स लिखते जाओ ठीक है बाकी अगर आपको इसको पिक्चर फॉर्म में चाहिए ठीक है तो यहाँ तो मैंने आपको दिखाया ही है क्लियरली दिस इज द आंसर दूसरा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं सो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज ए सी अंडर स्कोर कंप्यूटर अंडर स्कोर एजुकेशन वहाँ पर भी आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी दैट इज़ अपलोडेड इन द फीड तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं ठीक है और यहाँ तो आपको मैंने दिखा ही दिया है आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है तो ऐसे ही मैं प्रोग्राम्स भी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या जो और दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जितने हो सकेंगे आपके एग्जाम से पहले अपलोड करके दूंगी ताकि आप पेपर में उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक पे क्लिक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये किसी के काम आ रही है एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर इट विध ऑल फ्रेंड्स आपके कोई भी जूनियर्स हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सी की भी क्लासेस लेती हूँ कभी कभी यहाँ पे लाइव सो so, अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इफ़ यू वॉन्ट की एग्जाम से पहले एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लू लाइव तो दैट आई बी टेकिंग ऑन एन अकाडमी मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गेवन है वैसे मैं यहाँ पे इलेवेंथ ट्वेल्थ को कंप्यूटर साइंस एंड आई पढ़ाती हूँ तो आप मुझे यहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं राइट एंड कोई भी फ्री क्लासेस एन अकेडमी पर आप देख सकते हैं उसके लिए आपको मेरा नाम अंजलि लूथरा एज अ कोड यूज़ करना होगा या फिर आप एल कोडर्स यूज कर सकते हैं इसी कोड से अर अकाडमी पर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई सी यू द नेक्स्ट वन टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ